हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 5 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछली वीडियो में सीखा था टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सेल। टू टाइप क्या आए थे, एक्टिव एंड पैसिव। टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की टाइप क्या है, सबसे पहले है डिफ्यूजन एंड सेकंड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। माना आपने कोई अगरबत्ती को कमरे के कोने में जला दिया है, कुछ देर के बाद देखोगे उस अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं पूरे कमरे के अंदर फैल गया है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब किसी गैस के पार्टिकल, जब दो या दो से अधिक गैस के पार्टिकल आपस में अपने आप मिक्स हो जाएं, मेनली गैसेज में होता है डिफ्यूजन। तो क्या होता है डिफ्यूजन के अंदर, दी मिक्सिंग ऑफ और मूवमेंट, मिक्स होना या एक दूसरे के अंदर चले जाना ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी चीज के पार्टिकल का चले जाना। इसके अंदर एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ CO2 एंड O2 इनटू सेल थ्रू डिफ्यूजन, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे सेल से अंदर जाती है और सेल से बाहर आती है। तो हम डिस्कस करते हैं, जब जिस चीज की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी वो चीज बाहर आ जाएगी, और जिस चीज की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होगी तो वो अंदर चले। ड्यू टू रेस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस इनटू सेल, यानी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर पैदा हो जाती है, यानी सेल के अंदर पैदा हो गई तो सेल में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। सो इट्स कंसंट्रेशन इज हायर इन सेल, इसकी मात्रा सेल के अंदर ज्यादा हो गई है, एंड लो एज कंपेयर्ड टू आउटसाइड, बाहर के कंपैरिजन में इसकी मात्रा सेल के अंदर ज्यादा हो गई है। तो अब ज्यादा से बाहर की तरफ ये CO2 बाहर आएगी, सो इट कम आउट फ्रॉम सेल, इसलिए CO2 सेल से बाहर आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज हायर आउटसाइड द सेल, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इनसाइड, लेकिन O2 की मात्रा बाहर ज्यादा है तो O2 बाहर से सेल के अंदर जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा थी तो वो सेल से बाहर आ गई हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और O2 की मात्रा सेल के बाहर ज्यादा थी तो वो सेल के अंदर चली गई। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, किसी लिक्विड का चले जाना कहां, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ थ्रो आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी झिल्ली में से, किसी त्वचा में से किसी लिक्विड का ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चले जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। ये टू टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस एक्जो ऑस्मोसिस। एंडो का मीन होता है अंदर की तरफ, ऐसा ऑस्मोसिस जिसके अंदर कोई लिक्विड
सेल के अंदर जाएगा और एक्सोस्मोसिस में कोई लिक्विड सेल से बाहर आएगा। एंडोस्मोसिस द एंट्री ऑफ वाटर और अदर सोलवेंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर किसी वाटर या किसी सोलवेंट का अंदर जाना। एंड एक्सोस्मोसिस द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल से बाहर आना यानी कमिंग आउट ऑफ लिक्विड या सोलवेंट फ्रॉम सेल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने साल्ट वाटर लिया, वाटर के अंदर साल्ट को घोला तो फिर इसके अंदर हमने ये सेल डाली। मानो ये क्या है, एक सेल है, इस सेल को साल्टी वाटर के अंदर डाल दिया है तो क्या होगा, कुछ देर के बाद देखोगे कि वो सेल सिकुड़ जाएगी यानी जो उसका ओरिजिनल शेप थी उससे वो छोटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिंक हो जाना। सिंक क्यों होती है, क्योंकि सेल के अंदर का लिक्विड बाहर आ गया है। इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, सेल के अंदर से लिक्विड का बाहर आना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाटर, सिंपल वाटर के अंदर अगर कोई सेल गिराई जाती है तो सिंपल वाटर के पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करेंगे और सेल फूल जाएगी, स्वेल्व हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, यानी वाटर के पार्टिकल सेल के अंदर चले गए, इसको क्या बोला जाएगा, एंडोस्मोसिस। अब जो सॉल्यूशन लेते हैं हम, मान लो सेल को हमने वाटर के अंदर गिराया है। कई बार क्या होता है, सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कई बार बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कई बार ऐसा केस भी होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों लिक्विड की कंसंट्रेशन एक जैसी होती है, तो उन सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं, दिस सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लोअर देन अनदर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से कम है तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, दिस सॉल्यूशन व्हिच हैज कंसंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर है तो उनको आइसोटोनिक बोला जाएगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हायर है दूसरे सॉल्यूशन से तो उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक। मानो सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो बाहर वाला सॉल्यूशन बोला जाएगा हाइपोटोनिक और सेल के अंदर वाला बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो हाइपरटोनिक और जिसकी कम हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या आता है, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी पार्टिकल का आना। मोस्टली ये कहां था, इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों में होता है लेकिन मोस्टली गैसेस में देखा जाता है। इट इज ऑस्मोसिस को देखते हैं, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड का आना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में से। इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड में होता है लेकिन वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। कौन होता है तीनों में, डिफ्यूजन। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती। इट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी दोनों लिक्विड के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी तो एक में से दूसरे के अंदर क्या जाएगा, सॉल्यूशन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती
लेकिन ओस्मोसिस के अंदर दोनों लिक्विड के बीच में मेम्ब्रेन आएगी। यह केवल लिक्विड में होता है ओस्मोसिस, इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई जरूरी नहीं है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, तो मोस्टली गैसेज में होता है।